हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जरा राधे कृष्ण। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, DDA आपका एग्ज़ाम है, अब नेक्स्ट मंथ आपके एग्ज़ाम है। तो एडमिट कार्ड एंड स्टेज 1 एंड स्टेज 2 एग्ज़ाम नोटिस को ले एक नोटिस आया है। आप अपना एडमिट कार्ड का स्टेटस वो भी चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं दोनों नोटिस। तो देखिए, एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पर ट्वीट किया गया है TDA की तरफ से। एडमिट कार्ड विल बी इशू 72 घंटे पहले आपका जो आपका एग्ज़ाम डेट है उसे 72 घंटे पहले आपका ई एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। ई एडमिशन स्टेटस आर बीन सेंड टू योर ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। 24/10/2020 से आप चेक कर सकते हो, अपना डाउनलोड कर सकते हो ई एडमिशन स्टेटस बाय द कैंडिडेट। अपना जो है आपका स्टेटस है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो 24/10/2020 से। तो देखिए, पटवारी को लेकर यहाँ एक नोटिस जारी किया है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट स्टेज 1 है जो आपका प्री का जो आपका एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपका स्टेज 2 के लिए रहेगा, कि स्टेज 2 कट ऑफ रहेगी। सिर्फ आपकी फाइनल मेरिट में आपके स्टेज 1 के जो आपके प्री के मार्क्स अवॉइड नहीं किए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन रहेगा जो आपका ऑन द बेसिक ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड बाय द कैंडिडेट इन स्टेज 2 एग्जामिनेशन ओनली। जो आपके स्टेज 2 मीन्स के में जितने आपके नंबर हैं, मार्क्स आपके जितने रहेंगे उसकी उसी के बेस पर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा। स्टेज 1 सिर्फ आपका क्वालिफाई रहेगा जिसकी आपकी कट ऑफ लगेगी। उसके मार्क्स है वो आपके फाइनल में नहीं जुड़ेगी। फाइनल जो आपका सिलेक्शन है वो सिर्फ स्टेज 2 के जितने आपके मार्क्स है उस बेस पर रहेगा। यही एक अपडेट थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।